बजाज मोटर्स ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में काफ़ी सारी हिट गाड़ियाँ दी है। इस कंपनी की एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ है जो काफ़ी ज़्यादा बिकी है। लोगों ने इन गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है, लेकिन बजाज मोटर्स की कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी है जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज कंपनी की 5 सबसे ज़्यादा फ्लॉप गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। इस वीडियो की पहली गाड़ी है बजाज पल्सर 135। जिस समय इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था, उस समय मार्केट में 135 सीसी गाड़ियों की मांग बिल्कुल भी नहीं थी। खासकर बजाज पल्सर 135 का लुक्स किसी को पसंद नहीं आता था। ये गाड़ी ना तो एक स्पोर्ट बाइक लगती थी और ना ही एक कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक। पल्सर 150 और 180 की जबरदस्त मांग के चलते कंपनी ने 135 सी सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया था, लेकिन ये गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। बजाज पल्सर 135 में 134 सीसी का पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो 13.3 BHK पावर और 11.4 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता था। बजाज पल्सर 135 में कंपनी 68 KMPL तक की माइलेज क्लेम करती थी। इस गाड़ी में इंजन अच्छा खासा था, पावरफुल इंजन था और माइलेज भी ये गाड़ी अच्छी खासी निकाल कर दे देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस गाड़ी के लुक्स के हिसाब से ये गाड़ी एक फ्लॉप गाड़ी साबित हुई, जिसे भारतीय जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। 2009 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था और 2018 आते आते इस गाड़ी को भारतीय बाजार से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बजाज पल्सर 135 की लास्ट रिकॉर्ड प्राइस थी 64,000 रुपीज एक्स शोरूम। दूसरी गाड़ी है बजाज V15। ऐसा कहा जाता था INS विक्रांत के लोहे से इस गाड़ी को बनाया गया है। इस गाड़ी की पावर और बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी दमदार और ज़बरदस्त दिखाने की पूरी कोशिश भी की गई थी। वैसे बजाज V15 एक क्रूज़र बाइक थी और उस समय मार्केट में बजाज एवेंजर दबाकर बिकती थी। बजाज एवेंजर की मांग काफ़ी ज़्यादा थी उस समय भारत के अंदर। इस गाड़ी के लुक्स अच्छे थे, रोड प्रेजेंस शानदार थी, यहाँ तक कि इस गाड़ी के इंजन भी दमदार दिया गया था। फिर भी इस गाड़ी की सेल कुछ खास नहीं हो पाई और ये गाड़ी भी बजाज कंपनी की एक फ्लॉप गाड़ी साबित हुई। बजाज V15 में 149 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 12.80 BHK पावर और 12.70 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता था। बजाज V15 में कंपनी 57 KMPL तक की माइलेज क्लेम करती थी। इस गाड़ी का लुक्स अच्छा था, इस गाड़ी का इंजन भी अच्छा था, इस गाड़ी के माइलेज भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन नहीं पता जनता ने इस गाड़ी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। इस गाड़ी को 2016 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और 2019 आते आते इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर देना पड़ गया था कंपनी को। बजाज V15 की लास्ट रिकॉर्ड प्राइस थी 65,000 रुपीज एक्स शोरूम। तीसरी गाड़ी है बजाज कैलिबर 115। अगर आप 90s के टाइम से हैं तो आप इस गाड़ी के TV एड को अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये गाड़ी जितनी पॉपुलर नहीं हुई थी, उतना पॉपुलर इसका एड हुआ करता था। कुछ याद आया? इस गाड़ी की लुक्स तो काफी शानदार थी, फिर भी ये गाड़ी ज्यादा समय तक मार्केट में नहीं टिक पाई और कंपनी ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। बजाज कैलिबर 115 में 112 सीसी का पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो 9.5 BHK पावर और 9.1 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता था। इस गाड़ी में कंपनी 65 KMPL तक की माइलेज क्लेम करती थी। बजाज कैलिबर 115 को 2003 में भारत के अंदर लॉन्च किया गया था और इस गाड़ी की लास्ट रिकॉर्ड प्राइस थी 34,000 रुपीज एक्स शोरूम। वीडियो की चौथी गाड़ी है बजाज विंड 125। जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था, मार्केट में होंडा शाइन की सेल जबरदस्त थी, लेकिन उस समय मार्केट में 125 सी सेगमेंट के अंदर सिर्फ होंडा शाइन ही ग्राहकों की पहली पसंद हुआ करती थी। बजाज विंड 125 को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और कंपनी ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। बजाज विंड 25 में 124 सीसी का K-Tech पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो कि 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता था। इस गाड़ी को 2003 में भारत के अंदर लॉन्च किया था और बजाज विंड 125 की लास्ट रिकॉर्ड प्राइस थी 41,000 रुपीज एक्स शोरूम। वैसे इस कंपनी की सबसे बड़ी फ्लॉप गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो है बजाज बाइक, जो कि आती है फर्स्ट पोजिशन पर। ये गाड़ी 100 सीसी सेगमेंट के अंदर की थी। क्या आपने इस गाड़ी को कभी भारतीय सड़कों पर चलते हुए देखा है? कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। उस समय के हिसाब से ये गाड़ी ना मोटरसाइकिल सेगमेंट की नैनो हुआ करती थी। बहुत कम प्राइस पर इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन लुक्स के मामले में ये गाड़ी कहीं ना कहीं पीछे रह गई।
बजाज बाइक में 92.21 सीसी का पेट्रोल इंजन मिला करता था जो 6.41 बीएच की पावर जनरेट करता था। इस गाड़ी में कंपनी 62 केएमपीएल तक की माइलेज क्लेम करती थी। बजाज बाइक की लास्ट रिकॉर्ड प्राइस थी 29,000 रुपीस एक्स शोरूम। यार देखिए, हर कंपनी के ना कुछ अच्छे प्रोडक्ट होते हैं तो कुछ बुरे भी, और कुछ प्रोडक्ट तो अच्छे और वैल्यू फॉर मनी होने के बावजूद भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हैं। ये सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से देखते हैं। इसका सबसे अच्छा अगर मैं उदाहरण दूं तो वो है बजाज प्लेटिना, जिसे 2006 में भारत के अंदर लॉन्च किया गया था और आज 2022 में भी ये गाड़ी दम से बिकती है भारतीय बाजार में। पूरे 16 साल हो गए हैं इस गाड़ी को भारतीय बाजार में, लेकिन आज भी बजाज प्लेटिना की मांग बहुत शानदार है इस समय। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। इन पांचों ही गाड़ियों में से आपको सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ी कौन सी लगती थी, आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।